तो हाँ भाई जनता, तुम चाहते क्या हो? मतलब मुझे पहली बात तो ये जनता समझ नहीं आती। मुझे जनता से प्यार बहुत है, मगर भाई तुम चाहते क्या हो भाई? जब दुनिया में लॉकडाउन बोला गया 22 मार्च को, तो आप लोगों ने करा क्या? सुबह से तो 7 बजे से लेके 5 बजे तक थोड़ी शांति रही, न्यूज़ में कुछ नहीं दिखा, मगर कुछ लोग थे उस वक्त भी, थोड़े बहुत लोग निकले जा रहे थे कि भाई वो देखना चाह रहे थे, सोशल मीडिया पे कुछ डालना चाह रहे थे, मतलब बताना चाह रहे थे कि भैया देखो ऐसा भी कुछ होता है। अबे भाई कोरोना है भाई ये कोई बुखार सर्दी नहीं है जो भाई गोली खाई और ठीक हो गया। भाई इसकी वैक्सीन बनने में 1-1.5 साल लग जाएगा, ये तो आपको पता है, पर हमारे यहाँ पे तो अनपढ़ लोग हैं। हमारे यहाँ के पूरी दुनिया में देखो भाई, इटली में इतने केस होने के बाद भी इंडिया में लोग सुधर नहीं रहे, इनको समझ नहीं आ रही ये चल क्या रहा है। अबे भाई ये कोरोना बियर नहीं भाई, ये कोरोना वायरस है, समझो इस बात को भाई। और उसके बाद बात बताओ, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो सर्विस करते हैं, वैसे तो बड़ी ढींगे मारते हैं मीटिंगों में मैनेजर के साथ या अपने दोस्तों के साथ, भाई हमें अपना पर्सनल टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, हम डेवलपमेंट कैसे करें अपनी करियर के बारे में। अब भाई यही तो टाइम है भाई, करो, सोचो अपने बारे में कि तुम क्या कर सकते हो अपने बारे में, अपना टैलेंट खोजो, कुछ सोचो भाई, कुछ बढ़िया देखो। और बढ़िया देखो छोड़ो भाई, तुम ये सीरियल देख देख के और ये पता नहीं फलाना ढिंगाना जो चीज़ें बन रखी हैं हैं प्लेटफॉर्मों पे, वो गंद देखोगे तो तुम्हारा दिमाग भी गंद होगा भाई। कुछ अच्छा देखो, कुछ नॉलेजेबल देखो। और ये सरकार कर ही रही है भाई, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फिर फैला हुआ, तो भाई हर कोई आपको सपोर्ट कर ही रहा है भाई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, यहाँ डॉक्टर लगे हुए हैं भाई, उनका ध्यान रखो भाई, कल को तुम घूमोगे तो तुम्हारे चक्कर में तुम्हें भी हो सकता है या किसी और को भी हो सकता है, तो समझो भाई बात को, ये बहुत सीरियस मैटर है। अरे भाई मैं आपको एक और बात बताता हूँ भाई, जब डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, मतलब जो लोग भी बाहर घूम रहे हैं, उनकी नेसेसिटी है भाई, उनको अगर वो नहीं जाएंगे तो हम लोगों तक बेसिक चीज़ें और हमारा ध्यान कौन रखेगा? तो एक बात ध्यान रख लो भाई, वो लोग ज़रूरी हैं, उनका होना वहाँ ज़रूरी है, पर अगर तुम लोग बाहर जाओगे ना भाई, तो तुम्हारे बाहर जाने से फ़र्क पड़ जाएगा भाई। तो थोड़ा ध्यान रखो, बाहर निकलना बंद करो, ये दिमाग वाले थोड़ा दिमाग वाली बातें करो, ये बेक टुका और अनपढ़ वाली बातें ना करो। अबे भाई अभी तो बोल डंडे मार रही है, बाद में भाई अगर ये फैल गया ना गंदी तरह, जैसे और देशों में फैल रहा है और यहाँ फैल गया, तो भाई संभाल नहीं पाओगे, फिर भागते फिरोगे, सरकार कुछ नहीं कर रही है, नहीं कर रही, रोते समोगे। तो भैया रोना छोड़ो, सोशल डिस्टेंसिंग करना शुरू कर दो, 21-25 दिन घर बैठ जाओ, देख लो भाई अगर भला हो रहा तो हो जान दो भाई लोगों का, अपना नहीं तो दूसरे का तो सोचो भाई। ध्यान रखो भाई, कोरोना वायरस है ये, ठीक है, इसको फटाफट से इस वीडियो को शेयर करो और लोगों को समझाओ कि भैया घर से बाहर मत निकलो, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको समझाओ, नहीं तो मारो, मगर समझाओ उसको, पहले प्यार से नहीं तो डंडे से, मगर समझाओ कि भाई बाहर जाना गलत है इस टाइम भाई। 21 दिन अगर लॉकडाउन हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है, अगर पूरी दुनिया कुछ बोल रही है तो वो सही बोल रही है भाई, ध्यान रखो। ओके, टिल देन शेयर सब्सक्राइब लाइक।